Yes. Well, I'm excited about the hair. अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है. हमारा प्रोमो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव ये आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है. और भी कुछ आएंगे, और भी क्लिप्स आएंगे. अभी हम उसको ये करेंगे और प्रोमोट करेंगे फिल्म को. सो या लेट्स सी, इट्स एक्साइटिंग टाइम. ओके, यू नो, काफ़ी समय लग गया फिल्म को रिलीज करते हैं, और यू नो, तो कह सकते हैं, आज हम कहते हैं कि यू नो, इंडस्ट्री जो है वो कंटेंट गेमिंग फिल्म की हो गई है, एंड लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ अच्छी फिल्मों को स्ट्रगल करना पड़ता है इंडस्ट्री में आने के लिए. सी, अगर आप कुछ आप कुछ अलग करेंगे तो आपको स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा. तो उसमें कोई मतलब उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, और उसमें कोई सरप्राइज भी नहीं है. आई एक्सपेक्टेड दैट दिस इज गोइंग टू बी टफ जर्नी, बिकॉज इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम फिल्म, इट्स नॉट अ फॉर्मूला फिल्म. ऑल्दो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. इट मेक्स यू थिंक. The film makes you think, it's an entertaining film, but it is not a formula film. So I knew that we have a tough road ahead, but वो मैंने जानबूझ के किया है. ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने ये बताया इसको करो. तो I'm aware of these things. Yeah. तो ये जो फिल्म थी, ये मैंने 1980 में की थी, देखी थी, और वो काफ़ी मेरे पे इम्पैक्ट ये था, उसके ऊपर काफ़ी रहा, इम्पैक्ट रहा. एक्चुअली उस टाइम पे काफ़ी ऐसी फिल्में आई थी, जैसे जानी बदो तो उस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में आई थी. एक तो अल्बर्ट पिंटो आई, फिर जानी बदो या आरओ आई, फिर केतन मेहता की कुछ फिल्में आई. तो दीज फिल्म्स इंस्पायर्ड मी टू अप्लाई टू द FTII फिल्म इंस्टीट्यूट में. फिर मैं अप्लाई किया, मैं सीखा वहाँ से, और मैंने शाहिद साहब के साथ काम किया. सो आई नो हिम फॉर 25 इयर्स. या उन्होंने क्या, एक्चुअली आफ्टर आई रोट द स्क्रिप्ट आई शोड इट टू हिम. तो मुझे लगा शायद उन्हें शायद अच्छी ना लगे, पता नहीं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा इट्स अ वैलिड इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ये भी है गुस्से का एक इंटरप्रिटेशन है ये आजकल के ज़माने के हिसाब से. ओके, सो फिल्म के अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यू नो सारे के सारे डायरेक्शन में भी हैं, एक्टर्स भी हैं, तो सबका अपना अपना इनपुट रहा फिल्म के डायरेक्शन के दौरान, ऐसा कुछ रहा है कि? बिल्कुल रहा. एक्चुअली I don't feel intimidated by intelligent people. I don't feel intimidated. I knew Nandita and Manav and Saurabh also. Saurabh bhi toh writer hai. So all three of them are writer directors. And jab wo aayenge set pe, they will obviously bring their experiences and wo actually achhi baat hai. It's an enriching thing for me na, ki achhe logon ke saath main kar raha hu, kaam kar raha hu. So वो हमारे होते थे उस पर, सेट पर डिबेट होते थे पहले, जब हमारा ये होता था रीडिंग के टाइम पे भी हमारे होते थे काफ़ी डिस्कशन, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट इट इज़ एक्सेप्टेड दैट ये फिल्म तो फाइनली डायरेक्टर की होती है फिल्म. तो इवेंचुअली इट वॉज माई है ना डिसीजन, बट दैट होल प्रोसेस हैज़ टू बी एक्साइटिंग. यू नो इट्स नॉट अ, सो फॉर मी फिल्म मेकिंग It's not a profession, you know. It's an art that I pursue. So it has to be exciting. The whole journey has to be exciting. Okay. Also, when you were taking photos, you said that finally, you never thought that this is happening. And you said that I always believed that this is happening. So, what is the thing that is so different? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा है ना. सी, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन विद मी फॉर लाइक 4 इयर्स. हाँ, मतलब फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग टू नाउ इतने साल हो गए. तो अब मैं वो जी रहा हूँ. आई एम लिविंग दैट अल्बर्ट पिंटो एवरी डे ऑफ माई लाइफ.
So now it is going to be out of me now. It's going to be out of me. आपकी जब फिल्म रिलीज होती है ना तो वो it's called release. It's called release का क्या मतलब हुआ? Release मतलब it's going to be released out of me. It's going to go to the people. So मैं actually free हो जाऊँगा इससे. सब तो हमारे दोस्त हैं. आई एम ऑल्सो वेरी ईजी पर्सन टू वर्क विद. हमारे सेट पे कभी चिल्ला चिल्ली ये सब मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता हूँ. हम लोग आराम से करते थे, प्यार से विश टू वर्क टुगेदर. इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड गोवा के ऊपर हम लोग निकल गए थे विद सौरभ एंड मानव. सो वो भी इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस. अभी क्या है ना, अभी इतने प्रोपागंडा का फिल्म अभी आने वाले हैं जो ऑलरेडी हो गया, स्टार्ट हो गया. सो आई डोंट हैव एनी लड़ाई उनके साथ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है. एक ही चीज़ मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप उनको भी उन फिल्मों को भी करो देखो, लेकिन हमारी फिल्म को भी देखो. ये ऑप्शन हैं आपके आपके सामने. सो सो उनके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है. आप वो प्रोपेगेंडा की फिल्में भी करो देखो, और हमारी भी देखो फिल्में. एंड देन चूज करेक्टली, देन चूज करेक्टली. आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेसी. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये. थैंक यू.